हेलो 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 चेक ठीक है कि ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम, कि अब न कोई गम होगा ना ये प्यार कम होगा, साथी तुझको तेरे सर की है कसम, कि एक दूजे को आजमाना है हद से गुजर जाना। थैंक यू। तो एक दूजे को आज आजमाना है हमें, और आज की जो क्लास होगी एकदम हद से गुजर जाने वाली होगी। आ जाइए बाबू, आ जाइए। एगो बात बताइए, आप लोग इच्छाओं को पहचानते हैं? छाव के काटे वाला कै गो संख्या हो सकता है? दुइये गो? एक दो तीन, है ना? इसको काटने वाला कै गो संख्या हो गया? चार गो। अगर कहा जाए 12 को काटने वाली कितनी संख्या होगी? रमेश कहते हैं कि मेरा प्यार भी कम नहीं हो रहा है सर। एक दो काटेगा इसको, तीन चार छ, पक्का 6 गो हो गया इसको काटने वाला। अब कह दें 540 को काटे वाला कै गो होगा? एक दो तीन, ऐसे चलेंगे, गड़बड़ा जाएंगे। नहीं, अच्छा इसी को बोलते हैं सभी गुणनखंड की संख्या, 6 के सभी भाजकों की संख्या, 6 के सभी गुणनखंड की संख्या, या 6 के सभी गुणक की संख्या, सब इसी को बोला जा रहा है। नहीं, अब देखिए गुणनखंड माने एकर फैक्टर तोड़ने से ही सब आएगा ना, यही इसका गुणक भी है, यही इसका जो है भाजक भी है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए सवाल तो आ गया कि 120 के, 120 के सभी गुणनखंड, 120 के सभी गुणनखंड की संख्या क्या होगी? 120 के सभी गुणनखंड की संख्या, या 120 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है, या कहा जाएगा 120 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? कुल भाजक, भाजक तो सब काटबे ना करता है, आ काटने वाली संख्या कह दिया था, भाजक के कहा, भाजक ही ना काटता है जी। तो सुनिए, 120 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर तोड़ना है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से लगाया जाता है भाग, 60 बार में 2 से लगा, 30 बार में 2 से लगा, 15 बार में 3 से लगा, 5 में, ये सारे ये प्राइम फैक्टर आपने तोड़ा है, तो ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। इधर कभी भी भाग लगता है 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 5 से, 5 के बाद, कभी इसमें 6 से नहीं लगता है, 8 से नहीं लगता है, 4 से नहीं लगता है। सपोज करिए, याद करिए, भले ही आप देते रहे आज तक भाग कि 2 से, 3 से, फिर 5 से, लगाते कि नहीं, तो हमेशा ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। अभाज्य संख्या तो जानते ही हैं आप, ये अभाज्य संख्या है, ये पूरे को अभाज्य गुणनखंड कहा गया, कि अभाज्य गुणनखंड हमने तोड़ दिया और इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो अब जरा देखिए कि इसमें 2 कितने बार आया? 2 आया है 3 बार। और जरा देखिए 3 कितने बार? 1 बार। और जरा देखिए 5 कितने बार? 1 बार। पक्का? ऐसे सवाल बहुत कम बार पूछा जाता है, सवाल ऐसे पूछा जाता है, यही चीज दे देगा आपको। ये तो हम लोगों ने तोड़ा, वो तोड़ के ऐसे दिए हुए रहेगा, और आपसे अब पूछा जाए चाहे कुछ भी, आपसे पूछा जाए सभी गुणनखंड की संख्या, इसी का नाम कह देगा कुल भाजकों की संख्या, इसी को कह देगा कुल भाजकों की संख्या,
इसको निकालने के लिए क्या करना होता है सुन लीजिए, कुल भाजकों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का तरीका है कि सभी के पावर में एक एक जोड़ लीजिए, सभी के पावर में एक एक जोड़ लीजिए, आपस में गुना कर लीजिए, बेस से कोई मतलब नहीं। ये तीन आ एक कितना हुआ, एकाएक, एकाएक यानी चार दूना आठ, आठ दूना इसके टोटल काटने वाले 120 को काटने वाला टोटल 16 गो संख्या होगा। पता है समझ में, 120 को काटने वाली कितनी संख्या, कहां गया रे, भाग गया। बताओ खलासी ड्राइवर दोनों हमरे बना दिया है। अब एक बात ध्यान देना है, यही चीजें दी हुई हैं। अब मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया हुआ है, टू के पावर तीन, तीन के पावर चार, पांच के पावर दो, है ना, और इसके पूछ देगा आपसे कि सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड की संख्या नीचे देख लेना है पहले कि सारा अभाज्य संख्या है ना, तो फैक्टर चूंकि अभाज्य गुणनखंड तोड़ के दिया होगा और नहीं भी दे ले रहता है, तो यहां नीचे देख लेना है सब अभाज्य संख्या तब ठीक है। तो सब ठीक है, पावर में एक एक जोड़िए, चार पांच तीन, चार पचे बीस, बीस तिया कितना। अब देखो सभी गुणनखंड की संख्या हो गया, अब कहेगा सम गुणनखंड की संख्या या इसको समभाजक की संख्या भी बोला जा सकता है, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की या सम गुणक की संख्या। समभाजक की संख्या में क्या करना होता है कि जिसके बेस में सम संख्या, सम संख्या खाली दो ये रह सकता है कि दो अभाज्य संख्या है, याद करिए जब भी फैक्टर तोड़ा जाएगा तो दो के बाद चार से नहीं भाग लगता है, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच के बाद, यानी कि जिसके बेस में सम है उसके पावर को जीव का त्यों लिखना है। पता है समझ में, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, अब फिर बाकी उतने काम, पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, तो चार आ एक, दुआ एक, बोलिए तीन पचे पंद्रह तियाई पक्का। अब सुनिए कहेगा कि विषम, विषम भाजकों की संख्या यानी विषम गुणकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या या विषम गुणनखंड की संख्या, ऐसा कहेगा जो विषम संख्या ही इसके काटने वाला हो वो कहेगो, ये बात पूछा जा रहा है। तो सुनिए जब विषम संख्या के बात आएगा ना तो रूल कहता है, विषम वाला ना है, रूल कहता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो इसका कोई काम नहीं चूंकि विषम वाला चलेगा, तो ये कहता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। तो चलिए चार आ एक, बस पावर में एक एक जोड़ना है आपस में गुना, पांच तिहाई। अब देखिए टोटल गुणनखंड कितना यानी टोटल भाजक कितना यानी टोटल गुणकों की संख्या कितना। अब अगर सम कहे या विषम कहे, देखिए सम वाला कह गो आ विषम वाला, तो पंद्रह पैंतालीस जोड़ के टोटल के बराबर ना हो जाएगा। किसी भी संख्या को काटने वाला संख्या या तो विषम होगा ना तो सम होगा, विषम होगा ना तो विषम वाला कै गो मिला आ सम वाला कै गो आ टोटल मिला के कोनो दिक्कत। अब फिर भी मान लीजिए नहीं आया समझ में आपको, चलो स्क्रीनशॉट लो तू आगे देखिए। अभी आपने 12 का देखा था ना कि 12 के काटने वाली कुल कितनी संख्या तो निकाल लिया था मने मने। चलिए 12 के गुणनखंड तोड़ते हैं, दू छ के 12 दूतियाई भैया जी, ये दू बताइए कितने बार, तीन कितने बार। अगर आपको सभी गुणनखंड निकाले, रे कौन चीज कर रहा है रे तू दाएं बाएं, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड कहेगा, सभी गुणनखंड कहेगा तब पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, बेस से मतलब ना। तो सुनिए यहाँ एक जोड़िएगा तो तीन आ, यहाँ जोड़िएगा तो दो, ए तीन दूना छ हुआ तो चार बोलती है, तीन दूना छ ना, इसमें एक जोड़े तो कितना आ इसमें एक जोड़े तो तीन दूना,
सभी गुणनखंड हुआ। अब बताइए अगर इसके सम निकाला जाए, सम ना, समभाजक कहा जाए, समभाजकों की संख्या, तो समभाजक वाला में क्या होता है, इसके पावर जीव का त्यू, अब बाकी सब के पावर में एक एक जोड़ कर, नहीं एक एक जोड़ कर, तो बोलिए दो दूना। अब विषम वाला रूल क्या कहता है, विषम भाजक वाला रूल कहता है मेरे अंगने में अरे तुम्हारा क्या काम है, आ जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, यही ना है। ये देखिए तो आ गया दू गो चार गो मिलाकर कितना, देख लेते हैं, सुनिए, 12 को काटने वाला 1 2 3 4 6 12 पक्का, टोटल गिनिए कै गो हुआ। अच्छा खोजते हैं सम वाला, सम वाला 1 2 3 4 चार गो आया था क्या, सम भाजक चार गो आया था क्या, विषम भाजक खोज लीजिए, एगो एक आ एगो तीन, हुआ कि नहीं, दुइये गो ना जी, पक्का कोनो दिक्कत, याद हो गया बढ़िया से। अब रुक जाना, बात इतने नहीं है, कन्फ्यूज अब हो जाओगे। जैसे देखो 9 के पावर 3, 5 के पावर 4, 2 के पावर 3 दे दिया, अब आपसे पूछ लिया जाएगा यही तीनों बात में से कोई बात, कुल भाजक की संख्या, समभाजक की संख्या या विषम भाजक की संख्या, एगो ध्यान रख लीजिएगा, ये भाजक हो, गुणक हो, गुणक हो नहीं आ गुणन खंड हो, गुणन ये सब एक के बात है, ये तीनों बात बोले तो एक ही बात, सभी गुणन खंड की संख्या कहेगा, सभी गुणक की संख्या कहेगा या सभी भाजक की संख्या कहेगा, कोई दिक्कत, ये तीनों एक ही बात है। अब रुक जाइए तो सबसे पहले इसमें अगर सभी गुणन खंड की संख्या निकालना हो टोटल कितना, 80 हुआ, ये कितना हुआ 4 5 20 20 4 के, यह ना गलती हो गया, मैंने पहले कहा है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर टूटा हुआ होना चाहिए, 120 के तोड़े थे कि नहीं अभाज्य गुणनखंड, इन 9 अभाज्य संख्या है क्या, गड़बड़ाना गया जी, इन 9 को लिख सकते थे 3 के स्क्वायर इसका पावर 3, 9 को लिखा 3 के स्क्वायर इसका पावर 3, 9 के ये 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो बताइए कोई भी संख्या के पावर पर पावर ब्रैकेट पावर में पावर गुना होता है, 3 दुना कितना, यानी 3 के पावर हुआ आ 5 के पावर आ 2 के पावर, पक्का। अब चलिए जरा देखिए, अब बनाइए सभी गुणनखंड की संख्या, तो यहाँ 1 जोड़ना है, यहाँ 1 जोड़ना है, यहाँ 1 जोड़ना, वैसे मतलब नहीं, 7 5 35 आ 35 4 140 आपका आंसर हुआ, कोई दिक्कत। अब पूछ दिया जाए कि समभाजकों की संख्या इसमें बताइए, समभाजक बताइए जरा, समभाजक वाला में, समभाजक वाला सुनिए कैगो, अभी समभाजक, समभाजक वाला में खाली 2 छोड़ देते, नहीं इसके पावर जीव का त्यू, समभाजक वाला में सम वाला रहेगा ना पावर, लेकिन 1 जोड़ेंगे नहीं इसमें, अब बाकी सब में 1-1 जोड़ेंगे, 5 7 5 7 यही ना, तो 5 3 15 7 अब विषम वाला कह दे तो, विषम कहेगा तो सम वाला भत कटुआ, नहीं बात खत्म, अब बाकी इधर हट गया तो 5 5 7 बोलिए तो 35 गो आ 105 गो हो गया टोटल 140, कोई दिक्कत इतना में, पक्का। अब देखिए आपका दिमाग खराब हो जाएगा, अब हाँ सभी भाजकों की संख्या कहा जाएगा, सभी भाजकों की, अभी तो आप रट गए, आपको बता दिया गया सभी समभाजकों की संख्या, नहीं समभाजकों की संख्या, या कहा जाएगा सभी विषम भाजक की संख्या, विषम भाजक कहे गुणक कहे एक ही बात ना, विषम भाजकों की संख्या, पक्का। फिर कहता है अभाज्य, अभाज्य
गुणनखंड की संख्या। फिर आपसे कहेगा अभाज्य भाजकों की संख्या, देखने में सवाल एक के लगेगा, अभाज्य भाजकों की संख्या ये कहा जाएगा। एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात, पांच बात, ये बातें होगी। उसके बाद फिर आगे चलेंगे सभी भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल, वो अलग होगा टाइप। इसमें सबकी संख्या निकालना है। तो अभी तो आपने तीन चीज देख लिया, अभी दूगो चीज और जोड़ेंगे इसमें, अभाज गुणनखंड की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या। कैसे समझिए, 12 है ना, 12 का फैक्टर तोड़िएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 8। अब आगे चल के इसे करना नहीं है, मने मने 12 × 4 = 12 मने सोच लेंगे, 4 × 3 = 4 का मतलब 2 × 2 = 12, 3, यही बात ना, यही ना आएगा। अब चलिए, अगर आपको इसमें निकालना हो अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, सुनिए इसका मतलब क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड में सभी पावर का योग आंसर होगा। आंसर क्या होगा, सभी पावर का योग, पावर का योग, सभी पावर का योग, वो भी अभाज्य संख्या के पावर का योग। तो ये सब अभाज्य संख्या ना है नीचे, तो पावर का योग बोलिए 2 और 1 कितना हुआ। अब इसको जरा गौर से समझिए, बात क्या हुआ, ये बात ये हुआ कि इसमें कहा गया अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो ये तो प्राइम फैक्टर ना है, अभाज्य गुणनखंड ना तोड़े हैं, तो जब तोड़े तो इसी की संख्या पूछ रहा था आपसे कि कै गो हुआ। ये अभाज्य संख्या ना है, अभाज्य गुणनखंड ना है, तो अभाज्य गुणनखंड कै गो हुआ, 3 गो, इसीलिए 3 लिखाया कि पावर जोड़ के आंसर लिखा गया। अभाज्य गुणनखंड की संख्या मतलब ही जो अभाज्य गुणनखंड है, जो फैक्टर टूटा, इसमें यह अभाज्य संख्या कई बार है, कई गो है, वही 3 गो हुआ। और एक बात जब पूछा जाएगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या, बात है समझ में, अभाज्य भाजकों की, तो इसमें देखना होता है केवल कई टाइप के है, वो बेस के टाइप गिनकर लिखना है, बेस का टाइप गिनकर लिखना है, बेस का टाइप, वो भी किसका, अभाज्य संख्या का ही, फैक्टर तोड़ लिए तो एक टाइप वाला ही हुआ, दूसरा टाइप वाला ही हुआ, तो अभाज्य भाजक कहेगा तो 2 गो हुआ, और अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहा गया तो यानी सबको जोड़ के बता देना है, एगोई गिन के ना बता देना है। अभाज्य गुणनखंड इसमें 3 गो टूटा है, 3 हुआ, और अभाज्य भाजक कहा जाएगा तब बेस के टाइप गिन लीजिएगा कि अभाज्य संख्या कै टाइप के है, अभाज्य संख्या इसमें कै टाइप के है, 2 वाला है, गो तो 2 टाइप ना हुआ, तब अभाज्य भाजक 2 गो, बाकी 3 गो पीछे बात याद कर ले हैं। अब आ जाइए सवाल देखिए, जो रेलवे में पूछा गया इस बार आपको, क्या क्या पूछा गया था इस पर, कैसा कैसा सवाल है, कैसा कैसा सवाल 2021 में आया था, ये पूछा गया था 26/8/2022 वाला, 3rd shift, ये ग्रुप डी वाला, 9 × 6 = 12 × 4 = 7 × 7, कि अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंडों का, रुक जाइए सबसे, हाँ बनाओ, कोशिश करो तो एक बार, रघुवंश कुमार अरवल की धरती से प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भाई, सोनू गुड नाइट, हाँ सूत रहो, देखो सोनू इधर है, तू ही लिख रहा है कि रे इधर से, गर्मी है थोड़ी सी, है कोई दिक्कत नहीं है, यह ना सब नहीं झेल पाता है, 1,40,00,000 में से 1,00,000 लड़का के नौकरी काहे होता है, बाकी 1,39,00,000 छाटबे ना करता है जी, कई दिन गर्मी, 7 दिन 8 दिन 10 दिन और है, फिर बरसात पूरा पड़े लगेगा, फिर ठंडा आ जाएगा, मौसम अपने हिसाब से चलते रहेगा, और गर्मी ही वो समस्या थोड़े है, नहीं बना ना,
चूंकि सवाल जो पूछा वो काम आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग काम कुछ और कर रहे हैं। देखो 9 के पावर 6 तो 3 के स्क्वायर लिखेंगे, 6 × 2 = 3 के पावर 12 हो जाएगा पक्का। देखिए 9 को 3 के स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या ही नहीं है, तो इसका पावर 6 तो 3 के पावर 6 × 2 पक्का, पावर में पावर गुना होता है। अब आ जाइए सुनिए, 12 के पावर 4 है ना, 12 को आप 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 इस पूरे का पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 12 को मैंने लिखा 4 तिहाई 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत? अब 12 के पावर 4 था तो पूरे का पावर 4 ना हो गया? ये पूरे पंचायत के मुखिया जी यहां बैठल है, नहीं तो बताएगा योजना तो सब पूरे पंचायत में ना। तो देखिए पावर एकरो है या एकरो है, तो देखिए कोई भी संख्या के पावर पर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर में पावर गुना होता है। तो चलिए 2 के पावर कितना हो जाएगा जानते हैं? 4 × 2 = 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3 के पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अभी 3 के पावर 4 और 3 के पावर 12 एक के जैसा ना बना दे, 12 × 4 = 3 हो गया कई बार, यहां 4 बार यहां 12 बार, 3 हो गया 16 बार, कोई दिक्कत है भाई जी? अब आ जाइए 7 के पावर 7 है, कोई दिक्कत नहीं है पक्का। अब क्या पूछ लिया जानते हैं? आपसे पूछ लिया इतना के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अगर मैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछता तो पावर का योग, अभाज्य गुणनखंड मतलब 3 16 बार 2 8 बार 7 7 बार पावर का योग होता। यह पूछा जाता कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए ना जी, तो कहते सर 3 16 बार है, ये गुणनखंड 16 बार मिला, ये 8 बार मिला, 16 × 8 = 24 7 बार मिला, 24 × 7 = 31 आंसर होता, यही खोज रहे थे आप लोग। यहां कहा कि योग बताइए, तो अभाज्य गुणनखंड यह सब ना आया है, 3 और 2 = 7 अभाज्य गुणनखंड ना है, यानी 3 + 2 + 7 कितना हुआ? ये पूछा, इतना आसान बात पूछा, समझे कि नहीं? लड़का से खोजत रहा होगा, अरे अजबे पूछ दिया था। एक बार और बता दें बाबू, इसको क्या बोलते हैं, ये जो फैक्टर टूट के आया है ना, ये कोई संख्या रहा होगा टूट के आया होगा, जैसे अभी मैंने 120 को तोड़ा था, उसमें 2 मिला कुछ 3 मिला कुछ 5 मिला कुछ, तो वैसे ही कोई संख्या टूट के आया है, 3 मिला 16 बार 2 मिला 7 मिला, और कोई अभाज्य संख्या ना है इसमें, इस सबको अभाज्य गुणनखंड ना कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यह अभाज्य संख्या है। जैसे सोच के देखो, अगर आपने तोड़ दिया 12 को ही तोड़ा, तो 2 × 6 = 12 2 = 3 इस सब को अभाज्य गुणनखंड ही कहते हैं ना, 2 × 2 = 3 तो अब इस बार ये नहीं कहा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, संख्या कहता इसमें, अगर कहता तो 2 × 1 = कहता है कि वो अभाज्य गुणनखंड के योग ना बताइए, तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ना है, तो ये है 2 3 जोड़ के बताना है, वही बात ही सवाल कह दिया कि अभाज्य गुणनखंडों का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, तो ये है तो 3 और 2 = 5 और 7 अभाज्य गुणनखंड इसमें कौन है? 3 2, और कह देता अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी बार है, तो 3 कहता हम 16 बापते हथियाऊ, ये कहता ए हम 8 गो से हथियाऊ, ये कहता तन के कम हथियाऊ हम 7 गो हथियाऊ, नहीं तो सब जोड़ा जाता कि भाई भोज खाए कितना जाएगा, तो 31 गो जाता, नहीं समझे कि नहीं? लेकिन एकरा में कहा कि भाई अभाज्य गुणनखंड का योग तो हो गया, आपका आंसर 12। अगला चले, देखिए कैसा कैसा सवाल पूछा गया था, ये भी NTPC 2021 हुआ, सेकेंड शिफ्ट स्टेज 1, अभी पढ़े, अभी आप 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रम से कितनी है, भाजक के नहीं, तो 120 के झट से प्राइम फैक्टर तोड़ देंगे, 60, 2 से लगाया 30, 2 से लगाया 15, 3 से लगाया पक्का। अब देखो 2 कितने बार मिला, 2 3 बार मिला, और 3 1 बार 5। अब फिर इसमें अगर पूछ लेता कि अभाज्य गुणनखंडों का योग बताइए, अभाज्य गुणनखंड का योग, इसका गुणनखंड 5 3 8 2,
लेकिन इस बार क्या पूछा गया है, समभाजक विषम भाजक। तो समभाजक वाला रूल कहता है सम वाला के पावर जीव का त्यू, बाकी के पावर में एक एक जोड़ना है, बाकी के पावर में एक एक जोड़ना है, पावर में एक एक जोड़ना है, आपस में गुना करना है, तीन दूना छः, छः दूना इस सम वाला हो गया सम गुणनखंड। अब विषम, विषम वाला तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो एक इसमें गुना एक इसमें, पक्का 12-4 हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन ए। ओ उल्टा कहा है, सम पहले, ओ यहां विषम है पहले, वाह विषम असम ना, तो 4-12 कहेंगे ऑप्शन सी, ध्यान देने की जरूरत है, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब देखो इतना कुछ नहीं करना, ये सब मने मने होना चाहिए। अगर रूल आपको पता रहेगा कि सभी गुणनखंड में पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, तो आप 4 × 8, 8 × 16 सभी गुणनखंड, सम वाला तो सम वाला में इसमें नहीं जोड़ना है, बाकी सम में जोड़ना है, 3 × 6, 6 × 2 विषम वाला तो 2 × 2 पक्का। चलो अगला देख लो, देखो नीचे एक बार जरूर देखना है कि सब प्राइम फैक्टर टूटा हुआ है ना, क्या पूछा है कितने गुणनखंड सम है, सम गुणनखंड ना पूछा है, तो सम वाला के पावर जीव का त्यू, बाकी में एक जोड़ना है, एक जोड़ना है, यहां एक होगा ना जी, आ एक जोड़ा जाएगा पक्का, 7×5 = 35, 4×1 = 140, 140 × 2 रगड़ दीजिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, सुनिए 4200 के गुणनखंड की संख्या, 4200 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं 2100 × 2 = 4200, सीधा 4200 के पकड़ेंगे तोड़ देंगे तुरंत, देखिए 2 से लगा दिया 2100 पक्का, फिर 2 से लगा देंगे 1050, फिर 2 से लग जाएगा 500 पक्का, ओ 525 ना, आधा हो गया, अब 5 × 2 = 7, 5 = 12, तो 3 से तोड़िए 5 × 2 = 7, 7 × 5 = 12, तो 3 से लगाएंगे, अभी 5 से नहीं, तो 3 से लगाएंगे तो 17 × 3 = 51, 1 × 3 = 5 पक्का, 7 × 5 = 12 = 13, 3 से ना कटेगा तो 5 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा तो 5 × 35, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35 पक्का। अब देखो ओ 37 है, 5 × 3 = 15, 5 × 25 ना, ओ ठीक है, 5 × 7 = 2 कै बार, 2 मिला 3 बार, अब 3 मिला 1 बार, 5 मिला 7 मिला पक्का। आपको कहा है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, मैं सब ना तो सब, तो 4 × 2 = 8, 3 = 24, 2 = 48 है ऑप्शन ए, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखा जाए, इकाई अंक कल्ला टाइप कर दिया है, ये पढ़ाएंगे अलग से ठीक ना, इकाई अंक अलग रूल। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, अब लीजिए सवाल थोड़ा अलग आ गया, कहता है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, मतलब एकरा काटे वाला जो संख्या होगा वो पूर्ण वर्ग कै गो होगा, तो सबसे पहले 256 को हमेशा प्राइम फैक्टर तोड़ना है, 2 से लगा दीजिएगा 128, 2 से लगा दीजिएगा 64 × 2, 2 से लगा दीजिएगा 32, और 2 से लगा दीजिए 2 से और फिर 2 से पक्का। अब देखिए 2 कै बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार, 2 मिला आपको कितने बार पक्का। देखो पूर्ण वर्ग संख्या में बुझा रहा है, अगर खोजोगे तो कहाँ जानते हो, 4, 16, 1, 2, 3, 4, 4 गो ही आ एगो 1 होता है, 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 भी इसको काटेगा, 1 पूर्ण वर्ग संख्या, 1 पूर्ण घन संख्या होता है, तो 4 कितना 5 हो जाएगा। अब देख लेते इसको बनाने का तरीका,
तो ये तो दू हमारा कितना बार हुआ, इसको लिखा जाता है जीरो से शुरू करके दू के पावर आठ तक जाइए, दू के पावर एक, दू के पावर दू, दू के पावर तीन, समझे कि नहीं, वही बात है दू के पावर चार, दू के पावर पाँच, दू के पावर छः, दू के पावर सात, दू के पावर आठ। तो कुछ करे की जरूरत है, दू के पावर जीरो, किसी भी संख्या का पावर जीरो उसका मान ये पूर्ण वर्ग ना होगा छोड़ देंगे, ये पूर्ण वर्ग होगा ये नहीं होगा, दू के पावर चार सोलह पूर्ण वर्ग होता है, दू के पावर पाँच बत्तीस नहीं, दू के पावर छः चौंसठ पूर्ण वर्ग होता है, आठ का स्क्वायर होता है, दू के पावर सात एक सौ अट्ठाईस नहीं होता है, दू के पावर आठ दो सौ छप्पन, एक कै गो हो गया, पाँच गो हो गया ना, तो यही हुआ। तो ऐसे नहीं करके लिखना नहीं है, पूर्ण वर्ग में खोज लेना है, इसमें खोज लेना है, एगो अपना मन से ले लेना है कि एक तक काटबे ना करता है, एक भी तो इसका गुणनखंड है और एक पूर्ण वर्ग होता ही है, कोई दिक्कत, यानी जितना इसमें मिल जाएगा चार, एक मिला एक यहाँ, दूसरा तीसरा ये चौथा, एगो एक पाँच आ जाइए, इतना के कितने गुणक सम संख्याएं हैं, बन जाएगा पक्का, एक कर पावर में कुछ ना जोड़ेंगे बाकी में जोड़ेंगे। तो देखिए आठ तीरी चौबीस आ चौबीस तिया चौबीस चौका छियानवे आ छियानवे छियानवे छक्के लास्ट में छः पाँच सौ छिहत्तर, यही ना छियानवे छक्के लास्ट में छः आएगा, छिया एक छत्तीस, यही आंसर होगा पक्का ना। चलो अब देखिए, अब आप ऐसी बना दे रहे हैं, अगला देखा जाए कितने गुणक विषम, ये भी पूछा गया था ग्रुप डी 2018 में भी, कितने गुणक विषम है इसको छोड़ देना है, छ पचे तीस आ तीस सत्य दो सौ दस, तीस सत्य पक्का। अगला बढ़ जाइए, गुणन फल में कुल अभाज्य गुणन खंड ज्ञात कीजिए, कुल अभाज्य गुणन खंड निकालना है, सबसे पहले नीचे देख लेना है कि प्राइम फैक्टर में तोड़ा हुआ है यह अभाज्य संख्या है ये नहीं है, दू का क्यू होता है यानी क्यू तीन से गुना दस तिहाई पक्का, ये तीन के स्क्वायर होता है यानी तीन के पावर दू दू सते यानी तीन के पावर अभी सात के पावर आठ जीव का त्यू। आपको कहता है गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड, सुनो अभाज्य भाजक कहता तब बेस के टाइप गिन के बता देते कि तीन, लेकिन कहता अभाज्य गुण कुल अभाज्य गुणनखंड तो दू तीस बार तीन चौदह बार सात आठ बार, ये गुणनखंड टोटल कितना है ये पूछ रहा है, तो चलिए तीस चौदह आठ जोड़ दीजिए बावन, ऑप्शन सी पक्का। और इसी में अगर पूछ दिया जाता कि अभाज्य अभाज्य भाजकों की संख्या, हाँ अभाज्य भाजकों की, तो बेस के टाइप गिन का खाली लिख देना है, गिन का एक दो तीन क्या टाइप के है, हाँ दो तीन आ सात वाला अभाज्य संख्या है, इसमें दो तीन सात ही और तोड़ने से कोई नहीं आएगा, दो तीन सात ही आएगा, क्या टाइप के तीन टाइप के। अब देख लीजिए गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, बन जाएगा पक्का, कोई दिक्कत होगा, चलिए हाँ बहुत अच्छा बना दीजिए जल्दी से। देखिए तो अरे दू के पावर चार होता है तो चार सत्य ऐसी ना, दू के पावर चार होता है तो चार सत्य, तीन के क्यू होता है छतरी पक्का, पांच के पावर अब सबको जोड़ दीजिए पचपन, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाएं, 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं, जैसे अभी बनाए थे पक्का ना, फैक्टर तोड़िएगा इधर पूर्ण वर्ग बुझाइत रहेगा कौन कौन संख्या है, एगो एक्स्ट्रा ले लेना कि एक भी पूर्ण वर्ग संख्या है, हो गया। तो न अब सुनिए, न तो आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या, सभी गुणनखंड की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, बात है समझ में, कोई दिक्कत होना चाहिए क्या इसमें, तो इसकी पीडीएफ अभी भेजते हैं आपके सामने में, है ना, कहे कि हमको आपको क्या करना है, सुन लीजिए आपको याद रखना है, जैसे ही क्लास खत्म होने वाला रहे ना लास्ट में कह देना सर पीडीएफ, उसी टाइम भेजेंगे, दूसरा के सहारे हम नहीं रहेंगे, हमको पढ़ाना है आपको और जबरदस्ती पढ़ाना है, रगड़ के पढ़ाएंगे। आइए कौन बैच है,
एक सेकेंड, चलिए जा रहा है बाबू, निकलिए वहां से। आ जाएगा जाएगा, अब गया क्या ना, आपको क्या करना है एक नजर फिर से देख लेना है। चलते फिरते ये जो पढ़ लिया अब कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल चीज है। कल के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे इसका दूसरा टाइप।